हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और इसे कैसे यूज करें, इसे यूज करने का सही तरीका क्या है, और साथ में हम इसमें देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और टेस्टिंग करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना है, आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और इसे कैसे यूज करें? तो पल्स ऑक्सीमीटर हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसे काउंट करके हमें एक परफेक्ट रीडिंग देता है। बेसिकली जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन हो रहा है, उसे काउंट करके हमें एक रीडिंग देगा कि हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसमें दो टाइप की रेटिंग रहती है, वो रहती है SpO2 एंड पल्स रेट। SpO2 मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन इन ब्लड, जो कि 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, वो नॉर्मल कहलाता है। और पल्स रेट बेसिकली हमारी हार्ट बीट कितना हो रहा है, पल्स बीट कितना है हमारा, तो वो 60 to 100 के बीच में नॉर्मल कहलाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज करें, तो बेसिकली हम इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कैसे इसको यूज करें। तो सिंपली इसको अपनी इंडेक्स फिंगर पे प्लेस करना है, इसको अपनी इंडेक्स फिंगर को इसमें लगाना है और इसको 10 से 15 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। 10 से 15 सेकेंड में ये आपको करेक्ट रीडिंग देगा। देन आफ्टर अपने हैंड को आप बिल्कुल भी मूव ना कीजिए, अपने हैंड को आप एक रेस्ट पोजिशन में रखें। आपकी फिंगर जो है वो ज़्यादा कोल्ड नहीं होनी चाहिए, अगर कोल्ड होगी तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, उसकी वजह से ये सही रीडिंग नहीं दिखाएगा आपको। अगर आपका SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन इन ब्लड, जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में 95% से कम है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंड अगर आपका 90 से कम है, तो आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर को अप्रोच करना है, अपने डॉक्टर से आपको मिलना है। पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करने के बाद ये ऑटोमेटिकली 5 से 10 सेकंड में ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, ये है एक्वाश्योर का पल्स ऑक्सीमीटर। इधर इसकी ऑपरेटिंग डिटेल्स दे रखी है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दे रखी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये है इसका मेन डिवाइस, साथ ही में इसमें दे रखा है ये इसके बांधने के लिए एक स्ट्रिप, और इसमें है एक ऑपरेटिंग मैनुअल। यहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करें डिटेल में। चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है ये डिवाइस। तो गाइस, इसमें हम लगाएंगे बैटरीज जो इसके साथ में मिलती है, तो बैटरीज को आप सही तरीके से लगाएं। देन आफ्टर आप इसका एक कैप लगा दें। एंड गाइस, आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, तो अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइस, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को इसमें प्लेस कर सकते हैं, देन आफ्टर 5 से 10 सेकंड में आपको ये रीडिंग दे देगा। जैसे आप देख सकते हैं SpO2 98% आ रहा है एंड बीट्स पर मिनट 94% आ रहा है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से। प्लीज़ अपने हाथ को मूव ना करें जब ये रीडिंग ले रहा हो 5 से 10 सेकंड तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।